अस्सलामुअलैकुम एट क्लास। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में जो है वो नात की एक्सरसाइज की थी, तो आज हम लोग उस तशरीहात पढ़ते हैं। पहली तशरीह है हमारी बज़्मे कुनैन सजाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए बज़्मे कुनैन, दोनों जहानों की महफिल। शम्मा तुहीद जलाने के लिए आप सल्लम आए। शम्मा चिराग, तुहीद अल्लाह को एक मानना। तो इसकी हम लोग तशरीह करेंगे। तशरीह आप लोगों की कम अज़ कम 8 से 12 लाइनों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। और तशरीह हम लोग करेंगे, पहले हम लोग पहले मिसरे की तशरीह पढ़ लेंगे। इस शेर में शायर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी करते हुए कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी हम सब के लिए बड़ी सआदत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का सबसे अव्वलीन मकसद दुनिया आखरत को रौनक बख्शना है। उसके बाद दूसरा मिसरा है, शम्मा तौहीद जलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो इसकी होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक खुदा की मानने और इसकी इबादत करने का दर्स दिया, और ये भी बताया कि इस कायनात का खालक व मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसका कोई शरीक नहीं, और तमाम मखलूकात का खालक व मालिक भी अल्लाह ताला है। उसके बाद हम लोग सेकेंड शेर पढ़ते हैं, एक पैगाम जो हर दिल में उजाला कर दे, उजाला रोशनी सारी दुनिया को सुनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो सेकंड शेर की तशरीह होगी। इस शेर में शायर कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद के मकासद में से एक मकसद ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भटके हुए लोगों को गुमराही से बचाने के लिए आए, और इन भटके हुए लोगों को हदायत के रास्ते की तरफ लेके आए, और इन्हें तारीखियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए। अल्लाह ताला के पैगाम हदायत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के कोने कोने तक फैला दिया, यानी गुमराही के जितने भी अंधेरे थे उन सबको ख़त्म कर दिया, और जो गुमराह लोग थे उनको हदायत के रास्ते पर गमजन किया। तो दर हकीकत अल्लाह ताला ने आप सल्लम ही को पूरी दुनिया के लिए हादी बनाकर भेजा है, यानी हादी हदायत का सर चश्मा बनाकर भेजा है। तीसरी तशरीह पढ़ेंगे हम लोग, तीसरा शेर है, एक मुद्दत से भटकते हुए इंसानों को एक मरकज़ पे बुलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो तीसरे शेर की तशरीह होगी। इस शेर में शायर कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आमद से कबल सारी दुनिया जहालत की तारीखी में डूबी हुई थी। कोई बुतों को पूज रहा था, तो कोई चांद सितारों की पुरस्तश कर रहा था, यानी उनको पूज रहा था, उसकी इबादत कर रहा था। इंसान शिरक में मुब्तला होकर मबूदे हकीकी को यानी अल्लाह ताला को भूल चुका था, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भटकी हुई इंसानियत को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, यानी जो भटकते हुए लोग थे उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम दिया कि अल्लाह ताला ही तमाम तारीफ़ों के लायक है। ये ऐसे अजीम मरकज़ की तरफ दावत थी जो तमाम इंसानियत के लिए दुनिया आखरत में कामयाबी का ज़रिया है, यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लम को गुमराही में मुब्तला होने वाले इंसानों को और अल्लाह ताला को मानने और इसकी इबादत का दर्स देने के लिए भेजा। हम लोग फोर्थ वाली तशरीह पढ़ते हैं, तो फोर्थ वाली तशरीह है हमारी, ना खुदा बन के उमड़ते हुए तूफ़ानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप सल्लम आए। ना खुदा का मानी लिख लें, मला यानी कश्ती का मालिक। तो फोर्थ वाली तशरीह हमारी होगी। इस शेर में शायर कहता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात में तशरीफ़ आवरी से कबल इस कायनात पर जहालत के बादल मंडला रहे थे। हर तरफ जहालत की तारीखी फैली हुई थी। इस जहालत के बायस लोग शिरक और दीगर बुराइयों का शिकार थे। इन बुराइयों से निजात पाने का बज़ाहर कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ अफरा तफरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बुरे हालात में एक उजाला बन के आए, और ऐसे बुरे हालात में अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। आप सल्लम ने गुमराही के दलदल में फंसी हुई इंसानियत की हदायत के रास्ते की तरफ रहनुमाई की, और इनको गुमराही से निजात दिलाई। तो ये आप लोगों की चार तशरीहात हैं जो कि मैंने पढ़ी। इन चार तशरीहात को आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना। ओके, खुदा हाफिज़।